नमस्कार दूरदर्शन की इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है मैं शांतनु रोमुडिया, इस समय शिलोंग में हूँ मैं इस वक्त आसाम राइफ़ल्स के हेडक्वार्टर में हूँ असम राइफ़ल्स वन ऑफ़ द मोस्ट डिस्टिंग्विस्ड पैरामिलिटरी फोर्स ऑफ आवर कंट्री आसाम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट जोन में मैं स्पेशली बात करूँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में ये हमारे बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और बाकी काउंटर इंसर्जेंसी एक्टिविटीज़ एंड अदर लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनिंग एक्टिविटीज़ में आसाम राइफल्स काफ़ी लॉन्ग हिस्ट्री रहा है इट इज़ बिन सर्विंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड रिसेंटली आसाम राइफल्स न्यूज़ में है मनीपुर में जो वायलेंट इंसिडेंट्स हुए हैं उसके लिए भी काफ़ी सारे सर्चे में हैं तो आसाम राइफल्स के में आसाम राइफल्स का क्या रोल है ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी में आसाम राइफल्स का क्या रोल है इसके बारे में बात करने के लिए आज हम बातचीत करेंगे हम मिलेंगे आसाम राइफल्स के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल पी सी नायर जी से चलिए उनसे मिलते हैं और बात करते हैं है। है, well, जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम आसाम राइफल्स के हेड क्वार्टर्स के स्पेशल म्यूजियम में हैं तो आसाम राइफ़ल्स के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर जी हमारे साथ हैं हम थोड़ा सा आसाम राइफ़ल्स के बारे में बात करेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज में हम बात करेंगे सर हमें पता है कि आसम राइफल्स नॉट not ओनली इन नॉर्थ ईस्ट अदर पार्ट्स में भी फंक्शनल है फ़ॉरन कंट्रीज़ में भी इन्होंने आसम राइफल्स ने सर्व किया है लेकिन नॉर्थ ईस्ट के साथ हमें लगता है कि इसका अलग कनेक्शन है तो आप नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी की मैं बात करता हूँ तो आप एज ए चीफ ऑफ आसाम राइफल्स आप अपने रोल को कैसे डिफाइन करते हैं क्योंकि यहाँ पे दूसरे एजेंसीज भी काम करते हैं आप कैसे डिफाइन करेंगे ओके okay, जैसे आप जानते होंगे हमारा इतिहास एक साल दैट वी अबाउट हंड्रेड एंड एटी एट ईयर्स ओल्ड हम रेज हुए थे अठारह में एज mm. uh, कचार लेवी uh, तब एक सिर्फ एक छोटा सा यूनिट था साढ़े सात सौ लोगों का mm. वहाँ से लेके अब तक uh, हम काफ़ी इवॉल्व हो चुके हैं हमारे छालीस फोटी सिक्स वी हैव एट प्रेजेंट मोमेंट ऑफ विच फोर यहीं पर नॉर्थ ईस्ट में ही हैं दो जम्मू एंड कश्मीर में हैं और जहाँ तक हमारा रोल का सवाल है हमारा रोल इवॉल्व uh, होता रहा अंग्रेज़ों के ज़माने में कुछ और था इंडिपेंडेंस के बाद uh, कुछ और हो गया तो रोल हम uh, जो मैं कह रहा हूँ वो इवॉल्व होता रहा और फिलहाल जो हम कर रहे हैं वट यू डूइंग एसेंशली इज़ टू वन इज़ बॉर्डर गार्डिंग दी कम्प्लीट इंडो म्यांमार बॉर्डर जो सिक्सटीन फोर्टी थ्री किलोमीटर्स जो है वो hmm. और दूसरा है काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म जो कि अंदर की तरफ जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारी दो बटाल हैं वो सिर्फ काउंटर इंसर्जेंसी का ही या काउंटर टेररिज्म का ही टास्क कर रहे हैं uh, इस, के हाँ नॉर्थ ईस्ट इसके इसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में भी हमें बुलाया जाता है जैसे आपको पता होगा पिछले साल जून के महीने में नोने जो मणिपुर में वहाँ एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें हमारे आर्मी के टी बटालियन के तकरीबन तीस आदमी शहीद भी हुए थे वहाँ हम हमें सबसे पहले बुलाया गया था वी आर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स तो हालांकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एजेंसी यहाँ पे है लेकिन क्योंकि हमारी फुटप्रिंट हर जगह है एवरी वे वे सो वी आर ऑलवेज दस्ट रिस्पॉन्डर इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस और फिलहाल के हालात में जैसे आपको पता है मणिपुर में जो सिचुएशन है इंटरनल सिचुएशन टैगल करने के लिए डिस्टर्बेंस yeah. उसे उसके लिए भी बुलाया जाता है हमें तो ये है प्राइमरली हमारे टास्क ये हैं अगर हम बात करें कि आपकी लॉन्ग हिस्ट्री एम नॉट रॉन्ग तो इस टाइम पे सर आपके प्री इंडिपेंडेंस टाइम में भी काफ़ी आपके लिगेसी रहा है लेकिन मैं अगर पोस्ट इंडिपेंडेंस की मैं बात करूँ इस समय तो आपको क्या लगता है इतने सारे बैटल्स में आसम राइफल्स ने पार्ट लिया काफ़ी मतलब इट हैज़ बिन प्रेज इट्स रोल हैज़ बिन प्रेज डिफरेंट टाइम पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप कुछ हाईलाइट करना चाहते हैं कि ये जो ऑपरेशन है ये स्पेशल ऑपरेशन में आसाम राइफल्स हैज़ डन एक्सट्रीमली वेल अगर आप कोई हाईलाइट करना चाहते हैं यस yes, uh... जैसे कि आप आपको पता होगा वी आर कॉल्ड एज देंटिनल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट यानी कि नॉर्थ ईस्ट के रक्षक तो आ, क्योंकि आपने पूछा है कि आज़ादी के बाद तो मैं स्पेसिफिक बताता हूँ आज़ादी के बाद जितने भी वॉर्स हुए हैं हुए हैं हर जगह हमारी मौजूदगी रही है वी वी बीन प्रेजेंट एवरी वे लेट मी स्टार्ट विद दाइनटीन सिक्सटी टू वॉर जो चाइना के साथ हुई थी mm -hmm. तो उसमें हमारी टोलियाँ छोटी छोटी टोलियाँस टुकड़ियाँ एक्चुअली सेक्शन स्ट्रेंथ टेन पीपल लेस दे वेर डिप्लॉयड इन ऑल दी वैलीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश जहाँ से भी चीन चीनी आए थे हर जगह हमारे सोल्जर्स तैनात थे इंडियन आर्मी के साथ yeah. और सबसे पहले जो चाइनीज़ एग्रेशन का जो ऑन स्लॉट फेस किया वो हमारे सोल्जर्स ने फेस किया था हर एक वैली में और इसके लिए हमें काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे yeah. आ, हमें पाँच वीर चक्र मिले हैं फिर कीर्ति चक्र मिले हैं कई शौर्य चक्र सेना मेडल भी मिले हैं आ, इसके बाद अगर थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो 1987 एटी सेवन पवन जो श्रीलंका में हुआ था हमारे आ, चार बटालियंस वहाँ पे भी गई थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था वहाँ पे। आ, थोड़ा और आगे चलते हैं 1990 के डिकेड में 90s। इसे हम गोल्डन पीरियड ऑफ असम राइफल भी कहते हैं इसलिए क्योंकि हमारी 10 आठ बटालियन सॉरी वहाँ पे डिप्लॉय थी जम्मू एंड कश्मीर में टेररिज्म है जस्ट बिगन इन जे एंड के एंड आर बटालय और हमारी एक बटालियन जो थी सेवन असम राइफल दे इस्टेब्लिश एन ऑल टाइम रिकॉर्ड देयर दैट टाइम कॉल्ड एज ऑफ दूदी ऑपरेशन दूदी इन मे नाइनटीन इट इज़ कॉल्ड अ केस स्टडी एंड द मोस्ट सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन एवर क्योंकि एक ही ऑपरेशन में जिसको लीड किया था एक जे साहब ने जिन्हें बाद में कीर्ति चक्र भी मिला पद्म बहादुर छेत्री साहब उस ऑपरेशन में आ, हमने बहत्तर आतंकवादियों को मार गिराया इसके अलावा पंद्रह को वैसे कैद भी किया इसके अलावा एक सौ अट्ठारह हथियार भी मिले हमें जो कि एक ऑल टाइम रिकॉर्ड रहा है इसके अलावा जो हम मेन टास्क करते रहे हैं इन नॉर्थ ईस्ट वो रहा है काउंटर इंसर्जेंसी और ये शुरू हुआ था नागालैंड में 1955-56 में अलोंग विद इंडियन आर्मी दैट इज़ वेयर वी वर फर्स्ट वी हैव टू फेस द इंसर्जेंसी इन नागालैंड धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता गया इंसरजेंसी शुरू हुई मणिपुर में सिक्सटीज़ में उसके साथ साथ तकरीबन उसी टाइम पे मिजोरम में तो आ, उस समय से लेकर अब तक जा। जा। आ, हम डिप्लॉयड काउंटरसेंसी रोल में ही रहे हैं अधिकतर सर एक वायर ड्रग्स इस पे भी आप लोगों का रोल रहा है उसके बारे में या आई कमिंग टू दैट आल्सो बिकॉज़ मेन टास्क इज बॉर्डर गार्डिंग काउंटर तो ये जो आप कह रहे हैं ये बॉर्डर गार्डिंग का हिस्सा होता है क्योंकि हां देयर इज मूवमेंट ऑफ ड्रग्स दैट इज हैपनिंग तो वो भी होता रहा है लेकिन मैं काउंटर काउंटरसी पे इसलिए फोकस करना चाहता हूं क्योंकि आज अगर हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट इज़ नो लॉन्गर द ट्रबल्ड पार्ट ऑफ इंडिया व्हिच इट वाज नोन फॉर इसका अधिकतम श्रेय दी क्रेडिट फॉर दैट गोज़ टू द जॉइंट ऑपरेशन ऑफ असाम राइफल एंड इंडियन आर्मी सो दैट इज़ वॉट आई वॉन्ट टू हाईलाइट एंड सिंस यू स्पोक ऑफ द ड्रग्स is इज़ अ ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ ड्रग्स एसेंशली बिकॉज ऑफ द अप्रॉक्सिमेटी टू गोल्डन ट्रेंगल जो है हमारा इसके कारण काफ़ी ड्रग्स यहाँ से इस तरफ आते भी हैं और स्मगल भी होते हैं जी तो इसमें भी हमने काफ़ी accomplishments किए हैं जो मैं आपको बता दूंगा बाउट मनीपुर द मोस्ट इम्टेंट द मोस्ट टॉक्ड अबाउट स्टेट एट प्रेजेंट इन इंडिया मनीपुर का अभी प्रेजेंट सिचुएशन हम सबको पता है कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमने बहुत सारे वायरलेंट तस्वीर देखे है वीडियोज़ देखे है न्यूज़ पेपर में रिपोर्ट्स हैं तो आप ऑन ग्राउंड में काम कर रहा है लेकिन मैं सिर्फ इसी इंसिडेंट की बात नहीं करूँगा मणिपुर में इस टाइप के इंसीडेंट्स पहले भी हुए हैं हो सकता है इसके करेक्टरिस्टिक्स और नेचर और स्केल थोड़ा अलग अलग हो आपने खुद भी मणिपुर में लॉन्ग टाइम सर्व किया है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आसाम राइफल्स जो मणिपुर को इतने टाइम से सर्व कर रहा है डिफरेंट नॉट ओनली काउंटर इंसर्जेंसी अदर डोमेन्स में भी तो आपका एक्सपीरियंस क्या है आप कैसे आसाम राइफल्स के इन्वॉल्वमेंट को ये पूरे प्रोसेस में आप बताना चाहेंगे शांतनु धन्यवाद सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि मैं अपनी तरफ से एज हेड ऑफ़ द दोर्स कुछ चीज़ें स्पष्ट कर दूँ जो कि लोगों को पता नहीं है जहाँ तक मणिपुर का सवाल है मणिपुर के बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको बड़े तौर पे हमारा रोल यहाँ पे क्या रहा है वो मैंने आपको पहले बताया काउंटर इंसर्जेंसी और बॉर्डर गार्डिंग लेकिन इसमें हमारी कुछ टेंजबल अचीवमेंट्स जो दिख सकती है वो ऐसी हैं पिछले पाँच साल की मैं अगर बात करूँ तो कोई छियालीस आतंकवादियों को हमारे सैनिकों ने मार गिराया है Uh, इसके अलावा तीन सौ त्रहत्तर थ्री सेवेंटी थ्री पीपल हैव सरेंडर्ड साथ ही साथ कोई दो हज़ार uh, पाँच सौ साठ आतंकवादी या मिलिटेंट्स हैडेड ऑल्सो बाई हस तो ये मोटे तौर पे है इसके अलावा जो आपने सवाल पूछा था कुछ देर पहले वो ड्रग्स जो हमने ड्रग्स पकड़े हैं पिछले पाँच साल में वो तकरीबन चार करोड़ का है जो कि काफ़ी है एंड आई हैव रीजन्स टू बिलीव ये शायद इज़ ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग और भी होगा और ज़्यादा होगा तो ये तो ही हमारी टेंजेबल अचीवमेंट्स लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है जो मैं बताना चाहता हूँ जिसके इफ़ेक्ट्स हमें कई सालों के बाद पता चलेगा जैसे कि हमने कई नई स्कीम्स शुरू कर दी हैं उदाहरण के लिए जो सबसे रिसेंट है वो है एक सुपर थर्टी जैसे आपने सुना होगा एक सुपर थर्टी yes. जहाँ तीस अच्छे अच्छे ब्राइट बच्चों को हम स्टेट से चुनते हैं तो ये मॉडल हमने शुरू किया है सबसे पहले नागालैंड में फिर मणिपुर में और फिर साउथ अरुणाचल में ये तीन जगह जगहों पर हमने तकरीबन सौ बच्चों को सेलेक्ट किया है और ये काफ़ी रिमोट एरिया से हैं और इनको हमने कोचिंग दिया है और अभी जैसे नीट का रिज़ल्ट आया है तो मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि एट्टी टू परसेंट ऑफ दिस चिल्ड्रेन हैव क्वालिफाइड नीट के लिए अबाउट हंड्रेड चिल्ड्रेन अदेर और नागालैंड का अगर देखा जाए तो हंड्रेड परसेंट चिल्ड्रेन हैव क्वालिफाइड इसके अलावा और भी चीज़ें हम कर रहे हैं जैसे अग्निवीर स्कीम है आर्मी का उसी प्रकार हमारा रिक्रूटमेंट का स्कीम है इसके लिए हम यहाँ के यूथ युवाओं को ट्रेन करते हैं और इसमें से कई संख्या काफ़ी मात्रा में लोग आ, एंट्री भी हो चुके हैं आर्मी में और अदर पैरामिलिट्री एन सी ए में इसके अलावा हमने आ, आ, कुछ और रिमोट एरिया से बच्चों को चुनके सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल्स के लिए तैयार किया है और आपको ये सुनते हुए खुशी होगी कि आ, अगर आज की तारीख़ में देखा जाए इस एकेडमिक सेशन में देखा जाए अधिकतम बच्चे जो आज नॉर्थ ईस्ट के सैनिक स्कूल्स में गए हैं उन्हें ट्रेन हमने किया है आ, तो जैसे मैं कह रहा था इस सब का असर इफेक्ट हमें कई सालों के बाद आ, पता चलेगा इसके अलावा और भी चीज़ें हम करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन टूर आपने सुना होगा जहाँ बच्चे यहाँ से नॉर्थ ईस्ट के बच्चे जाते हैं टू तो, अदर मेजर मेट्रोपोलिटन सिटीज़ इस साल से हमने शुरू किया रिवर्स नेशनल इंटीग्रेशन इन द सेंस बड़े बड़े शहरों से लोगों को बच्चों को हम यहाँ लाते हैं नॉर्थ ईस्ट में और उनको यहाँ का एक्सपोजर देते हैं जो कि ज़रूरी है uh, अन्य चीज़ें भी हैं तो, जो हम सिविक एक्शन में करते हैं नीड uh, बेस्ड जो लोग हमसे मांगते हैं वो सब चीज़ें हम देते हैं इसके अलावा आपने सुना होगा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो भारत भारत सरकार का है वी ट्राई टू मेक बी प्रोजेक्ट्स हमारा जो सिविक एक्शन प्रोजेक्ट है और आर्मी का जो सद्भावना है वी ट्राई टू इंश्योर दीजा को टर्मिनस और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोगों को इसका फ़ायदा हो शायद इसलिए आपके फोर्सेस को द फ्रेंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता exactly. है एग्जैक्टली सर मणिपुर के आपके नापेयर भैया मणिपुर जैसे आपने बताया था कि ये मणिपुर में ये पहली बार नहीं हो रहा है hmm. इससे पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं एंड दैट इज़ इन द नाइन्टी जैसे आपको पता होगा नाइन्टी थ्री से नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स तक आ, ये चलता रहा नागा कुकीज़ के बीच में काफ़ी वायलेंस काफ़ी डिसप्लेसमेंट उस समय भी हुआ और मैं उस समय यहाँ पे मणिपुर में एज अ मेजर एज अ कंपनी कमांडर था मैंने ये काफ़ी नज़दीक से देखा है आ, लेकिन उसको अगर मैं कंपेयर करूँ अभी के हालात तो में तो दिस प्रजेंट लेवल्स ऑफ वायलेंस इज़ मच मोर देट वॉज स्प्रेड आउट ओवर फ्यू ईयर्स लेकिन ये uh, जैसे आप कह रहे तकरीबन पचास दिन में जो हमने देखा है वायलेंस ये अनप्रेसिडेंटिड है और uh, जैसे तीन मई को शुरुआत चार मई से हम लोग डिप्लॉयड हैं आपको पता है तकरीबन पचास दिन अभी हो गए हैं और इन पचास दिन में हमारे जवान uh, हमारे जूनियर लीडर्स दिन रात चाहे बारिश हो धूप हो uh, रात की सर्दी हो भारी रहे पिछले पचास दिनों में विच इज़ अनप्रिसडेंटेड कोई और ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ जहाँ पचास दिन के लिए लोग बाहर रहे हैं एंड वी हैव हेल्प्ड इमेंसली टू ट्राइन नॉर्मल इज द सिचुएशन लोगों को हमने इवैक्यूट uh, किया जहाँ पर वायलेंस चल रही थी mm -hmm. वहाँ से लेके सेफ एरियाज़ में ले गए हैं uh, इसी प्रकार uh, हमारे कैम्प हमने इस्टेब्लिश किए थे जहाँ तकरीब तीस हज़ार लोग एट वेरियस पॉइंट्स ऑफ टाइम रहे हैं इसके अलावा मेडिकल एड हमने काफ़ी दिया है और आज अगर हम देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे 37 खुला है जिरीबा से जो आता है सिंस मे 14 इसका शेय जा, जाता है हमारे असम राइफल को और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हमारे साथ वहाँ पे डिप्लॉयड है बट फॉर दिस डिप्लॉयमेंट मणिपुर वुड हैव बीन टोटली कट ऑफ तो आज अगर थोड़ी मात्रा में सप्लाइज इसल कमोडिटीज़ आर रीचिंग मणिपुर इट इज़ बिकॉज ऑफ आर डिप्लॉयमेंट देयर इसके अलावा वी हैव अलॉन्ग विद दी अदर सिक्योरिटी फोर्सेज आर्मी इन पर्टिकुलर बीन एबल टू स्टॉल द लेवल्स ऑफ वायलेंस कहीं जगह पर हमने बफर जोन्स लगाएं बिटवीन टू कम्यूनिटीज़ टू इन्श्योर दैट दे डोंट फाइट लेकिन ऑन ग्राउंड आज की डेट पे मैं अगर पूछूँ तो ऑन ग्राउंड सिचुएशन किस टाइप का है आपके ट्रूप्स वहाँ पे है आप मॉनिटर कर रहे हैं होम मिनिस्टर खुद भी आए थे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह चार दिन वहाँ पे रहे आज की डेट पे अगर आप एनालिसिस करें कि आज की डेट पे स्टेटस ये है मणिपुर में अच्छा तो जैसे आपने देखा होगा पिछले पचास दिन में शुरुआत के तीन दिनों में काफ़ी घटनाएँ घटी थी तीन से लेकर पाँच और छः में उसके बाद थोड़ा लल रहा फिर जो पीरियड आपने बताया जब हमारे गृहमंत्री जी आए थे यहाँ पे तो उस समय भी उस समय भी थोड़ा सा वायलेंस में बढ़ा हुआ था और उनके जाने के बाद भी जून चौदह को एक हुआ था इंसिडेंट लेकिन जहाँ तक मैं अब देख रहा हूँ वायलेंस लेवल्स कम हो गई हैं आ, छोटी मोटी गोलियाँ चल रही हैं लेकिन आई थिंक इट इज़ अंडर कंट्रोल एंड प्रोबेबली पीपल आर सींग रीजन इन नॉट एस्टिंग ओके लेकिन मीडिया में मैं बात करता हूँ एज ए मीडिया पर्सन अगर मैं देखता हूँ तो हमने काफ़ी सारे मीडिया रिपोर्ट्स देखे हैं उसमें ऑनेस्टली सेइंग देर आर सम एलिगेशंस ऑल्सो अबाउट द फोर्स लाइक इन्वॉल्वमेंट और मे बी नॉट टेकिंग सफिशियंट एक्शन अगेंस्ट पॉपी कल्टीवेशन एंड दिस काइंडल्सो दे आर एंड आई सॉ वन मीडिया रिपोर्ट एंड दैट नॉट सफिसंट रेशन आर अवेलेबल फॉर आसम रोएबली द सप्लाई नहीं हो पा रहा है फिर एक दूसरा पहलू भी है कि सोशल मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ uh, जो अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन भी अभी सर्कुलेट होने लगे हैं जैसे एक दिन और सोशल मीडिया के इंफॉर्मेशन के बेस पर मीडिया पर भी आ रहा है जैसे एक आसाम के न्यूज़ पेपर में मैंने कुछ दिन दो तीन दिन पहले देखा एक फोटोग्राफ है जो कि बाद में पता चला म्यांमार के है दन तो गार्ड इज बिंग किल्ड तो वो फोटोग्राफ म्यांमार का पुराना फोटोग्राफ उसको मणिपुर बोल के चलाया जा रहा है मतलब इस टाइप के अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन से लोगों के बीच में पैनिक क्रिएट होता है कन्फ्यूजन भी होता है और साथ ही में जब मीडिया में एलिगेशन भी कुछ इस टाइप के क्रिटिसिजम नज़र आते हैं तो भी लोगों के परसेप्शन थोड़ा सा लोग कन्फ्यूज होते हैं तो दूरदर्शन के माध्यम से अगर आप ये दो चीज़ें अगर थोड़ा क्लेरिफाई कर पाए कि इस एलिगेशन के बारे में आपका क्या कहना है स्टैन और सेकेंड थिंग ये जो र्यूमर है जो मिस इन्फॉर्मेशन अनवेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है इसको कारप्ट करने के लिए आपके कुछ आ, आपके तरफ से क्या क्या जा रहा है सर शांतनु एक सही सवाल पूछा आपने लेकिन आ, आ, उस सवाल पे आने से पहले एक बार मैं दोबारा आपको दोहराना चाहता हूँ कि जिस हालात में हमारे सोल्जर्स हमारे जूनियर लीडर्स कंपनी कमांडर्स कमांडिंग ऑफिसर्स कमांडांड्स और सेक्टर कमांडर्स जिन हालातों में वो ऑपरेट कर रहे हैं दिस इज़ इन माई एंटायर सर्विस प्रॉब्ली वन ऑफ़ द मोस्ट चैलेंजिंग एप्स सीन

ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है आपने कुछ एक मेंशन uh, किया एडवर्स वीडियोज़ uh, का uh, इसके साथ साथ कुछ पॉजिटिव वीडियोज़ भी हैं अगर आपने देखा होगा एक कल परसों का एक वीडियो है जहाँ की एक वन मेजर वन ऑफ यंग ऑफसर इज सराउंडेड बाय सो मेनी वुमेन फोक और एंड ही इज़ मेंटेनिंग अ स्कूल द लेडीज़ आर लिटिल ऑफेंसिव इन दैट कंडक्ट लेकिन

इसका कोई मतलब नहीं है अनसबस्टैंशिएटेड एंड इसका कोई एजेंडा है समडी इज़ ड्राइविंग दिस एजेंडा फॉर रीजन्स बेस्ट नो टू दैम बट वी विल नॉट टॉक ऑफ द एजेंडा जो uh, काम जरूरी है जो इम्पोर्टेंट uh, चीज़ ये है पीपल शुड अंडरस्टैंड कि ये जो नरेटिव बन रहे हैं काउंटर नेरेटिवस बन रहे हैं सिक्योरिटी की के खिलाफ असम राइफल्स के खिलाफ आर्मी के खिलाफ ये किसी को सूट नहीं करता असम राइफल्स इन पर्टिकुलर वी आर एन ऑल इंडिया ऑल क्लास फोर्स तो क्यों हम किसी एक कम्युनिटी का साइड लें हमारे लिए तो सारे बराबर हैं एवरी वन इज़ द सेम अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे कि कितने लोगों को हमने इवैक्यूट किया कितने लोगों की जानें बचाई हैं आप देखेंगे इट इज इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल सो देर इज़ एब्सोलूटली नो बेसिस फॉर दिस और साथ साथ लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि जस्ट थिंक हु इज़ बेनिफिटिंग इन दिस इस कंप्लीट गलत नरेटिव में फ़ायदा हो रहा है हमारे एडवर्सरीज को आपको पता है कि मणिपुर इज अमंग पॉसिबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट फॉर आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी विच हेज स्टार्टेड फक्टीफाइंग बड़े पैमान विच इस बींग इट्स इवॉल्विंग वेरी वेल आपने देखा होगा मणिपुर में पिछले एक साल में बड़ी बड़ी चीज़ें हुई एक दूर कप होल्ड किया गया था डॉल्ड कप को पता होगा दुनिया का सबसे तीसरा पुराना है ये समीन एटीज़ और एशिया का सबसे पुराना टूर्नामेंट है ये इसके अलावा जी ट्वेंटी का बिजनेस डेलीगेट्स का मीटिंग जो कि नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले मणिपुर में ही हुआ था फिर फेमिना मिस इंडिया ऐसे कहीं इम्प्रूवमेंट्स uh, हुई हैं uh, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और लोगों को भी पता होना चाहिए तो अगर इफ़ इफ पुट योर सेल्फ इन द इशूज ऑफ द एडवर्सरी ही विल नॉट लाइक दिस डेवलपमेंट टू हैपन एंड इफ दे कैन स्पिन डॉक्टर अगर नेरेटिवस क्रिएट अगर कर सकते हैं तो इट विल बेनिफिट दैन दिस इज समथिंग विच आई वॉन्ट पीपल टू अंडरस्टैंड ओके Uh, आपने काफ़ी सारे चीज़ें क्लियर कर दिया है आई होप हमारे ऑडियंस को भी काफ़ी सारे चीज़ें क्लियर हो गया स्पेशली द पर्सपेक्टिव द वे असम राइफल्स इज़ वॉकिंग आई होप इट विल क्लियर लॉट ऑफ कन्फ्यूजन तो आपका फाइनल टेक क्या है आज के डेट पे मैं अगर आपसे पूछूं तो वे फॉरवर्ड क्या है अभी टू तो पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ दिस थिंग शात्रु आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पीस इज़ द आंसर और इस पीस को लाने के लिए uh, कई तरफ से ये भी सुझाव आता है कि पुश इन मोर ट्रूप्स ये उसका हल नहीं है दैट इज़ नॉट दी सोल्यूशन पुशिंग एंड पम्पिंग इन मोर ट्रूप्स इज़ नॉट द आंसर द आंसर लाइज इन द रियलाइजेशन लोगों के दिल में ये भावना आनी चाहिए कि शांति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है और शांति आने के लिए डायलॉग बातचीत करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इसमें खास रोल होगा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस का एल्डर्स जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनका देर इज़ अ नेसेसिटी फॉर द यूथ टू मोबलाइज़ अगेंस्ट दिस टू ब्रिंक पीस क्योंकि uh, आज का जो यूथ है इन द नॉर्थ ईस्ट और मनीपुर इन पर्टिकुलर इन्होंने देखा है कि वॉट एम्पल अपॉर्चुनिटीज आर देर इन द कंट्री फॉर देम इन दर्विसेस इंडस्ट्री इन द अदर इंडस्ट्रीज और uh, इन इन जगहों में नॉर्थ ईस्ट के बच्चे एक्सेल करते हैं तो ये जो हालात है दिस के नॉट गो आन इनलेसली ऑल दिस people have told of uh, have to uh, ensure broker and uh, move the peace process forward that is my suggestion okay thank you for giving us this time now you have um, obviously you have been busy dealing with this crisis so we hope that this situation improves and permanent peace is established and Manipur works in the part of development again but so thank you for giving us time uh, with this, we have come to an end to this special discussion with Lieutenant General P. C. Nair, the Director General of Assam Rifles. He has elaborated on many issues, many topics. Most importantly, he has cleared the point of view from Assam Rifles' perspective regarding the fake news, the fake narratives that is being built up in media or in social media in recent times. I think this will help people to understand the situation of present day Manipur better, it will clear a lot of confusions. So keep watching Rudashan, thank you.